Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I will teach you computer science of grade 4, chapter number 5, MS Paint. Well, students, let me tell you about MS Paint. MS Paint is a simple drawing program. You have learned how to draw lines, rectangles, curves, and fit colors with paint. MS Paint एक simple drawing program है जिसमें आप drawing कर सकते हैं, आप shapes draw कर सकते हैं, आप lines draw कर सकते हैं, आप उनको fill कर सकते हैं colors से. Now let us study about some more commands and the uses from the paint program. Before we discuss any command, let us first, recall the use of command in the tools group and shapes group of the home tab. आपकी जो paint screen open होती है MS Paint की, उसमें top पे आपके पास tabs group होते हैं, tabs के option होते हैं. एक home tab है, एक view tab है. उसके अलावा tools group होता है. Tools group में आपके पास fill with color, आपने अगर color को fill कर, shape को fill करना है कलर से, तो उसका ऑप्शन होता है. आपके पास पेंसिल, रेजर और टेक्स्ट आप अगर अपने पेंटिंग में ऐड करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप जो है वो टूल्स ग्रुप से सिलेक्ट करते हैं. और शेप्स ग्रुप से हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स जो हमें ड्राइंग करते हुए चाहिए, वो हम शेप्स ग्रुप से सिलेक्ट करेंगे. ओके, drawing a new year card. Let us draw a new year card using some commands from the tools group and shapes groups. Let us draw the card form first. अब हम अगर MS Paint में card बनाना चाह रहे हैं, तो उस card में सबसे पहले अगर हम कार्टून ड्रा करते हैं, तो हम उसके लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टेप नंबर वन इज क्लिक होम टैब. सबसे पहले आपके स्क्रीन पे के टॉप पे होम टैब है, आपने उसको क्लिक करना है. देन सेकंड वन इज सेलेक्ट द ओवल शेप फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. आपने क्या करना है, शेप्स ग्रुप जो आपके स्क्रीन के टॉप पर मौजूद है, आपने वहां से ओवल शेप को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस. देन ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ द पिक्चर. आपने क्या करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके अपनी आपकी जो ब्लैंक स्क्रीन है उसके ऊपर ड्रैग करना है माउस को, तो आपके सामने ओवल शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी. आप टू ओवल शेप्स को ड्रॉ करेंगे, एक फेस के लिए और एक बॉडी के लिए. देन थर्ड वन इज ड्रॉ द कैप, हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द कार्टून बाय यूजिंग ब्रश फ्रॉम ब्रशेस. आप अपने कार्टून की कैप, हैंड्स और लेग्स जो है वो ब्रशेस ग्रुप से ब्रश को सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे. देन फोर्थ वन इज क्लिक फिल विद कलर फ्रॉम टूल्स ग्रुप. टूल्स ग्रुप में से आपने फिल विद कलर को सिलेक्ट करना है. देन फिफ्थ वन इज सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप एंड फिल इन द कलर. फिल विद कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप कलर्स ग्रुप में जाएंगे, वहां पे आपने जो भी शेप में कलर फिल करना है आप वहां से सिलेक्ट करेंगे वो कलर और शेप में जाकर उसको क्लिक करेंगे, तो वो उसी कलर में आपको, अगर आपने कैप जो है वो रेड कलर में रखनी है तो आप रेड कलर को चूज करेंगे और देन आप कैप के अंदर फिल विद कलर के ऑप्शन को जो है वो कैप पे जाकर क्लिक करेंगे, आपकी कैप जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ लेट अस ड्रॉ अ कैलेट फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. Select cloud color from the shapes group. Drag to draw the palette above the cartoon. Okay. अब जब आपका कार्टून रेडी हो गया है, तो आपने कार्टून की साइड पर एक
क्लाउड की शेप को ड्रॉ करना है, तो आप शेप ग्रुप में जाएंगे, क्लाउड की शेप को आप क्लिक करेंगे, और जब वो आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अपने माउस को आप स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे तो कलर जो है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगा. लेट अस नो इंसर्ट टेक्स्ट इन द कलआउट. क्लिक टेक्स्ट फ्रॉम द टूल्स ग्रुप. अगर आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप टूल्स ग्रुप में से टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड द क्लाउड कलआउट. उसके बाद आप अपने माउस को क्लाउड के अंदर ड्रैग करेंगे और आप उसके अंदर आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा. व्हेन यू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स अ न्यू टेक्स्ट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. आपका जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा शेप में, आपके रिबन पर टेक्स्ट टैब शो होगा. Choose the color, font size and the style of your text from the text tab. Text tab में से आप जो भी color अपने text का रखना चाहते हैं आप वो select कर सकते हैं. आप अपने font का size क्या रखना चाहते हैं आप वो select कर सकते हैं वहाँ पे. आप अपने text का style क्या रखना चाहते हैं वो आप वहाँ से text tab में से select कर सकते हैं. Type your text inside the कॉलआउट. आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट टाइप करेंगे अपने कॉलआउट के अंदर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसमें. देन फिल अ कलर इनटू द बैकग्राउंड यूजिंग फिल विद कलर टू कंप्लीट योर पिक्चर. अपनी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए आप बैकग्राउंड को फिल विद कलर से कलर कर देंगे. बैकग्राउंड को कलरफुल करने से आपका कार्ड ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगा. ओके, मूव टू नेक्स्ट द इमेज ग्रुप. द इमेज ग्रुप कंटेन्स कमांड सच एज क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट. सेलेक्ट एन इमेज. यू कैन सेलेक्ट द होल इमेज और अ पार्ट ऑफ इमेज बाय सेलेक्ट बाय यूजिंग द सेलेक्ट कमांड. टू सेलेक्ट एन इमेज और पार्ट ऑफ इमेज फॉलो द गिवन स्टेप्स. इमेज ग्रुप में आपके पास जो कमांड्स मौजूद होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट एंड सेलेक्ट एन इमेज. आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं इमेज ग्रुप के कमांड्स से. ओके, यू कैन सिलेक्ट द होल इमेज और अ पार्ट ऑफ इमेज बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड. सेलेक्ट कमांड से क्या होता है, आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी इमेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई मखसूस पार्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. और इसको हम इसको कैसे यूज करेंगे, हमें स्टेप्स दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज क्लिक द होम टैब. अपने होम टैब पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो. उसके बाद आपके पास सेलेक्ट का ऑप्शन है, उसमें ड्रॉप डाउन एरो आएगा आप जब सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे. थर्ड वन इज क्लिक ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्शन यू वांट सच एज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एटसेट्रा. जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे. Then fourth one is select the part of drawing that you want to crop, resize, flip or rotate. आप अपनी drawing का वो part select करेंगे जो आप crop करना चाहते हैं या आप उसको resize करना चाहते हैं या आप उसको flip या rotate करना चाहते हैं, तो आप उस part को select करेंगे और वो आपके selection के accordingly flip, resize और rotate हो जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं. Then next is how to crop an image. Crop means to cut off. You can keep the selected part of image and delete everything outside it. Okay, crop kya hai? Agar aap apni drawing mein se apni drawing ka koi hissa delete karna cha rahe hain, matlab kaatna cha rahe hain, to wo aap crop ke option se kaat sakte hain, usko khatam kar sakte hain.
आप जितना पार्ट अपनी ड्राइंग में रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो बाकी जितना भी आउटसाइडेड पार्ट होगा वो सारा क्रॉप हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है जितना पार्ट, सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी सब कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू क्रॉप एन इमेज? फॉलो द गिवन स्टेप्स यूजिंग सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज दैट यू वांट टू कीप। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, और उसके बाद जो पार्ट आप अपने ड्राइंग का रखना चाहते हैं उसको, उतने पार्ट को आपने सिलेक्ट करना है। माउस की मदद से आप माउस को ड्रैग करेंगे और उतने जो पार्ट आप रखना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। क्लिक क्रॉप इन द इमेज ग्रुप। आप इमेज ग्रुप में से क्रॉप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड पार्ट गेट क्रॉप्ड। जो सिलेक्टेड पार्ट था वो क्रॉप हो जाएगा। Well students, hopefully there will be no confusion. I have a home assignment for you. You will draw and color a birthday greeting card for your friend in MS Paint. Then save your file in your computer. आपने MS Paint में अपने friend के लिए birthday card एक बनाना है, उसको draw करना है, उसमें coloring करनी है और उसको सेव करना है। ये आपका आपकी होम असाइनमेंट है। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ माय लेक्चर। आई होप यू एंजॉय। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।